हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के क्लास में आपका मैंने खुश आमदीद। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि पैंक्रियास से जो है कौन कौन से हार्मोन्स का इखराज होता है और इसकी कमी या ज्यादती से कौन कौन से मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आइए हम चलते हैं पैंक्रियास और उससे निकलने वाले हार्मोन्स की तरफ। एंडोक्राइन पैंक्रियास, पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये एक इससे एंजाइम भी खराज होता है, या यूँ कहिए कि इससे पैंक्रियाटिक जूस जो है खारिज होता है जो हमारे गिजा के हाजमे में मदद करती है। तो उस हिसाब से पैंक्रियास को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और पैंक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इससे हार्मोन का भी इखराज होता है, इसलिए पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। अब पैंक्रियास का लोकेशन देखिए ये है, मैंने पेट के अंदर में ये डुओडिनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही से शुरू होता है, ठीक ये जो यू शेप का डुओडिनम है इसी के अंदर जो है ये जर्द रंग का जो आप देख रहे हैं इसे हम पैंक्रियास कहते हैं। तो यहीं पर ये वाकई होता है और ठीक इसके ऊपर में स्टमक होता है। तो स्टमक और डुओडिनम के दरमियान में हमारा पैंक्रियास जो है वाकई होता है। अब जो है पैंक्रियास से जो जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पैंक्रियास के जिन हिस्सों में हार्मोन इखराज करने वाले खुलिया पाए जाते हैं उन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगहान्स कहते हैं। अगर पूछा जाए कि आइलेट ऑफ लैंगहान्स क्या है तो जवाब ये होगा कि आइलेट ऑफ लैंगहान्स पैंक्रियास के वो हिस्से हैं जहां हार्मोन को खारिज करने वाले खुलिया पाए जाते हैं, तो इसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगहान्स कहते हैं। इस आइलेट ऑफ लैंगहान्स का दरियाफ्त 1869 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट पॉल लैंगहान्स ने किया था। उन्हीं के नाम के ऊपर ये जो सेल्स हैं जिससे हार्मोन खाली होते हैं उसे आइलेट्स ऑफ लैंगहान्स कहा जाता है। अब आइलेट ऑफ लैंगहान्स में ये जो सेल्स है ये तीन, इनके नाम हैं अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, देखिए ये पैंक्रियास का हिस्सा है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगहान्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीटा सेल है, ये अल्फा सेल है और ये जो है डेल्टा सेल है। तो आइलेट ऑफ लैंगहान्स तीन तरह के खुलियों में मुश्तमिल होता है जिनसे मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस सेल से कौन सा हार्मोन खारिज होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा सेल से जो हार्मोन खारिज होता है उसका नाम है ग्लूकागोन, और बीटा सेल से जो हार्मोन खारिज होता है उसे हम इंसुलिन कहते हैं, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का इखराज होता है। तो ये है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो याद रखिएगा कि अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का इखराज होता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन जो कि बीटा सेल से खारिज होता है इसका क्या फंक्शन है। ये सबसे पहले क्या करता है कि खून में जो शुगर है उसको उसके उसमें इजाफा नहीं होने देता है, मैं इसको इसके इसको मेंटेन करता है। इंसुलिन का काम है खून में शुगर के बढ़ोतरी को चेक करना, बढ़ने नहीं देना, ताकि खून में जो है शुगर का क्वांटिटी जो है बढ़ नहीं जाए। दूसरा फंक्शन ये है कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर पाया जाता है तो उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, और ये ग्लाइकोजन जो है लीवर और मसल्स में क्या होता है स्टोर रहता है, जमा रहता है। इंसुलिन ब्लड में इजाफी
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील कर देती है और ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा रहता है। अब हम ये देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन के कम इखराज और ज़्यादा इखराज के क्या असरात होते हैं। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपो माने कम, इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन का कम निकलना, कम इखराज। तो इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से डायबिटीज़ मेलिटस या हाइपरग्लाइकेमिया मर्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन के कम निकलने से खून में चीनी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसे आप देखते होंगे कि जिसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसे इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है ताकि इजाफी जो ग्लूकोज है उसको चेक किया जाए। तो इस बीमारी को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं या डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो ये होता है इंसुलिन के कम इखराज से होता है। अब अगर इंसुलिन का ज़्यादा इखराज हो तो उसे कहते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। यानी इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में इंसुलिन के ज़्यादा निकलने से क्या होता है, इखराज होने से खून में शुगर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, गिर जाता है। तो ये हुआ इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन के क्या असरात हैं। अब है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन ये जो हार्मोन है ये आपका अल्फा सेल से निकलता है, आइलेट ऑफ लैंगरहंस के अल्फा सेल से इसका इखराज होता है। इसका फंक्शन ये है कि ग्लूकागोन का काम ठीक इंसुलिन हार्मोन के ऑपोजिट में है। क्या इसका क्या फंक्शन है कि ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन खून में शुगर के राइज को चेक करता है, बढ़ने नहीं देता है, माने शुगर के शुगर को बढ़ने नहीं देता है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है कि ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये जो है इसका ठीक ऑपोजिट है, इंसुलिन का ठीक मुखालिफ जो है ये काम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को जो लीवर में जो जमा रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ये दो फंक्शन इंसुलिन का हो गया अलग अलग। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता है और ग्लूकागोन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये हुआ पैंक्रियाज के बारे में कि पैंक्रियाज कहाँ वाक़ होता है, इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहंस क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहंस के कौन कौन सेल से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन का क्या असरात होते हैं। तो ये था पैंक्रियाज और उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में।